हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। तो जैसे कि हमारी भगवान के श्रृंगार की सीरीज चल रही है, हम भगवान जी का श्रृंगार कर रहे हैं होली के लिए। सो इसी तरीके से जैसे मैंने लड्डू गोपाल जी, मेरे सारे लड्डू गोपाल जितने भी हैं उनका मैं श्रृंगार कर चुकी हूँ, मैं राधा रानी जो है बाल स्वरूप उनका श्रृंगार मैं कर चुकी हूँ। अब हमारी जो है माता रानी की बारी आती है, महामाई जो है हमारी, हम उनका श्रृंगार करेंगे अभी। तो जिस तरीके से मैंने और सारे भगवान जी को ऑरेंज में ड्रेस किया है, उसी तरीके से मैं माता रानी को भी ऑरेंज कलर के ड्रेस में ड्रेस करूंगी। ये है मेरी माता रानी का लहंगा और ये इसके साथ का है, चुनरी है उनकी, पटका है। सो ये ड्रेस जो है मैंने मथुरा से ही लिया था इनके लिए और इसमें मुझे चोली नहीं मिली है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इनकी कई ड्रेसेस और भी हैं ऐसी जिनमें चोली नहीं है, तो हम चुनरी से ही ऐसे करके पूरा आगे से ढक देती हूं मैं उसको। तो आइए देखते हैं कि अब माता रानी का श्रृंगार कैसे होता है, वो अपना श्रृंगार मुझसे कैसे करवाना चाहती हैं। अब तक जो उनका श्रृंगार था वो इस पिंक में हुआ हुआ था, जैसे बाकी सब भगवान जो छोटे छोटे बाल स्वरूप हैं उन्होंने स्वेटर्स वगैरह पहने हुए थे, तो मेरी माता रानी के लिए तो मुझे कोई ऐसा लहंगा या कोई ऐसा स्वेटर नहीं मिला था, तो उनके मैंने ये शॉल ओढ़ाई हुई थी अभी फिलहाल सर्दियों में। तो अब तो धीरे धीरे मौसम गर्म होता जा रहा है, तो अब तो शॉल वगैरह की या स्वेटर वगैरह की जैसे हमें जरूरत नहीं पड़ती, वैसे भगवानों को भी अभी मैं शॉल स्वेटर में से धीरे धीरे करके उन पर से भी मैं हटा रही हूं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि माता रानी का श्रृंगार हम कैसे करते हैं, वो अपना श्रृंगार कैसे करवाना चाहती हैं और वो श्रृंगार करके कैसी लगती हैं। सो जी फ्रेंड्स, यहाँ मेरी माता रानी बैठी हुई हैं और यहाँ पीछे मैंने सबका श्रृंगार का नया सामान रेडी करके रखा हुआ है। ये है मेरी माता रानी, अब बस इनका भी हम फटाफट श्रृंगार करेंगे। सो ये मैं इनको लहंगा पहले पहना रही हूँ। होली पर सभी भगवानों के लिए नए कपड़े आए हैं, तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैं मथुरा गई थी, मैंने सबके लिए नए कपड़े लिए थे, मैंने आपके साथ भगवान जी का शॉपिंग हॉल शेयर किया था। सो उसमें आपने उस वीडियो में आपने इन सारे ही भगवान जी के कपड़े जो हैं देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो लोग वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। मैं वही सारे कपड़े जो होली के लिए लाई थी, वही सारे कपड़े जो है मैं भगवानों को पहना रही हूं। सो ये हम जो है पीछे लहंगा बांध देंगे। ये मैंने यहाँ लहंगा बांध दिया है और एक ऑल पिन मैंने यहाँ पे बीच में लहंगे पे लगाई हुई है बाहर से, ताकि ये लहंगा थोड़ा सा जो है इस तरीके से जो है बैठ जाए। ये इनकी जो चुनरी है ये हम पीछे से इस तरीके से ले आएंगे थोड़ी सी फोल्ड करते हुए। जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने इनकी जो है चुनरी ऐसे यहाँ सेट कर दी है। इसके ऊपर मैं इनको ये तीन लेयर वाला जो इनका हार है वो मैं इनको पहना रही हूं। एक उल्टा सीधा हो रहा है, सब मोती इसमें अड़ रहे हैं। ये इनका हार है, ये मैं इनको पहना रही हूं इसके साथ। सो अब तक तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है हमारी माता रानी का। ये एक और इनका फूलों का हार है, एक ये भी पहना देते हैं। माता रानी श्रृंगार में बहुत सुंदर लगती हैं, वैसे तो सारे ही भगवान अच्छे लगते हैं श्रृंगार में, पर महामाई का रूप कुछ ज्यादा खिल के आता है। मेरी मम्मी के यहाँ जब पहले जो माता रानी की प्रतिमा थी जिन पे हम श्रृंगार करते थे पूरा मिट्टी की जो हम लेते हैं उस तरह की थी, उनके ऊपर हम पूरा दुल्हन जैसा श्रृंगार करते थे, लेकिन अभी जो उन्होंने प्रतिमा ली है वो एम्बलिश्ड है बिल्कुल, जैसे मैंने मम्मी के मंदिर के दर्शन आपको करवाए थे, एम्बलिश्ड उनकी मूर्ति है वो, उस पर अभी कोई श्रृंगार नहीं करती हैं। तो कोई बात नहीं, जितनी सेवा माता रानी उनसे करवाना चाहती हैं वो करवा ही लेती हैं। सो इस तरीके से हमने इनका जो है मुकुट इन्हें पहना दिया है और ये उनकी जो है चुनरी छोटी सी जो कि नवरात्र में बदली जाती है वो हम सर से करा देंगे और लहंगे के साथ पीछे से इसे भी अटैच कर देंगे। इस तरीके से
ये मैं यहाँ पे जो है ऑल पिन के साथ यहाँ पर अटैच कर रही हूँ चुनरी पीछे से, पीछे की तरफ से, ताकि ये बिल्कुल सर पे रहेगी। फ्रेंड्स ये चुनरी हर नवरात्र पे, जैसे शारदीय नवरात्र आते हैं या अभी जैसे अप्रैल मार्च में आएंगे नवरात्र, सो ये चुनरी हर नवरात्र में अष्टमी या नवमी पे, जो भी पूजन आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नवमी पूजी जाती है, सो अष्टमी नवमी पे ये चुनरी जो है मैं चेंज करती हूँ। हर बार हर 6 महीने पे नवरात्र में वो चुनरी चेंज होती है। सो पिछली बार मैं ये चुनरी लाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, मैं लेकर आई थी, बट अब जैसे मैं श्रृंगार करती हूँ मुझे रियलाइज होता है कि चुनरी थोड़ी सी मोटी है, इस वजह से ये बैठती नहीं है इनके सर पे। अब नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी सी पतली चुनरी लेकर आऊंगी, जैसी राधा रानी के लिए लाती हूँ। सो जी फ्रेंड्स, ये हमारी माता रानी सज चुकी हैं बिल्कुल। इनके श्रृंगार में अगर कोई कमी रह रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको एक क्लोजर लुक दे देती हूँ इनका। फिलहाल मैं इन्हें कोई शॉल वगैरह नहीं करवा रही हूं, क्योंकि मौसम अब थोड़ा सा स्टेबल होने लगा है, तो सो जी फ्रेंड्स, ये मैंने माता रानी को भी तैयार कर दिया। अब बारी आती है हमारे जो श्याम रंग के युगल सरकार हैं उनकी, सो आइए देखते हैं उनका श्रृंगार भी। वो मैं अगले वीडियो में कैप्चर करूंगी, इस वीडियो में नहीं, ये सिर्फ माता रानी का श्रृंगार हमने किया है। सो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। राधे राधे।